बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नावल रिटन बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 15 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। एंड आई हैव रिटन दीज क्वेश्चंस एंड आई एम गोइंग टू लेट यू नो द आंसर्स आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ चिप्स? चिप्स का असली नाम क्या था? हिज रियल नेम वाज चिपिंग। उसका असली नाम जो है वो मिस्टर चिपिंग था। हिज निक नेम वाज चिप्स। और उसका जो उर्फियत के लिहाज से या प्यार से जो नाम एक उर्फ आम में था वो चिप्स था। व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स? क्या होता है जब आप सन रसीदा उम्र रसीदा होना शुरू करते हैं? यू ऑफन गेट स्लीपी। आपको अक्सर बेशतर नींद आई होती है। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, जब आप उम्र रसीदा हो रहे होते हैं। सेम थिंग हैपन टू मिस्टर चिप्स। यही कुछ मिस्टर चिप्स के साथ हुआ। वैन ही ग्रीव ओल्ड, जब वो बूढ़ा हो गया। ही बिकेम स्लीपी ऑफ एंड ऑन, और वो अक्सर व बेशतर जो है उसे नींद आई होती थी। हू वॉज चिप्स एंड वेयर ही यूज टू लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट? चिप्स कौन था और अपनी रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ रहता था? ही वॉज अ रिटायर्ड स्कूल टीचर। वो एक रिटायर हुआ स्कूल टीचर था। आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद He used to live at Mrs. Wickett's. वो Mrs. Wickett's के यहाँ रहता था। How did Chips see the time passing after his retirement? Chips ने अपना वक्त जो है retirement के वक्त बाद किस तरह उसने देखना शुरू किया था या वो कैसे देखता था? Chips took it as the lazy cattle. Chips अपने गुजरते वक्त को एक ऐसे देखता था जैसे कि सुस्त मवेशी जो हैं मूविंग अक्रॉस अ लैंडस्केप, किसी इलाके से किसी मंजर से गुजर रहे हो। फॉर हेम टाइम पास्ट एट अ स्नेल्स पेस, उसके लिए वक्त बहुत सुस्त रवि से गुजरता था। हाउ डिड चिप्स मेजर टाइम आफ्टर हिज रिटायरमेंट? चिप्स अपना वक्त कैसे नापता था? ही मेजर्ड हिज टाइम बाय द स्कूल बेल्स। वो घड़ी से अपना वक्त जो है उसको नहीं जाँचता था या देखता था वो, बल्कि जो चूँकि ब्रुकफील्ड के ये बिल्कुल करीब ही रहता था तो ब्रुकफील्ड की जो स्कूल की बेल्स थी वो उनके बजने पे वो समझ जाता था कि इस वक्त क्या टाइम चल रहा है। ही प्रेफर्ड ब्रुकफील्ड ओवर ग्रीनविच टाइम, और उसने ग्रीनविच वक्त जो कि पूरी दुनिया में एक मयारी स्टैंडर्ड या वक्त की एक मयारी इकाई है उसके बदले में उसके बजाय उसने ब्रुकफील्ड की जो वक्त के जो औकात थे उनको उसने तरजीह दी थी। फाइंड रिजेंबलेंस बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड सम ओल्ड सी कैप्टन। मिस्टर चिप्स और किसी बूढ़े समंदरी कप्तान या बहरी कप्तान के दरमियान जो मुशाबियत हो सकती है उसको ज़रा आप ढूंढें, वाजे करें। लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, किसी बूढ़े समंदरी बहरी कप्तान की तरह। चिप्स गेव ऑल हिज लाइफ टू ब्रुकफील्ड। चिप्स ने अपना सारा वक्त जो है वो ब्रुकफील्ड को दिया। लाइक द कैप्टन ऑफ द शिप, किसी बहरी जहाज़ के कप्तान की तरह। ही हैड ऑल्सो लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ ब्रुकफील्ड। इसी तरह उसके पास भी, जिस तरह एक बहरी जहाज़ के कप्तान के पास अपनी बहुत सी यादें होती हैं, इसी तरीके से मिस्टर चिप्स के पास ब्रुकफील्ड की बहुत सी यादें थीं। व्हाई डिड द वॉइस ऑफ चिप्स चेंज आफ्टर हिज रिटायरमेंट? रिटायरमेंट के बाद चिप्स की आवाज़ क्यों बदल गई? आफ्टर हिज रिटायरमेंट, अपनी रिटायरमेंट के बाद चिप्स वॉइस चेंज, चिप्स की आवाज़ बदल गई। Due to growing age, बढ़ती उम्र की वजह से his voice became jerky, उसकी आवाज़ में लड़कड़ाहट आ गई या उसकी आवाज़ में जो है जर्की होता है जिसमें झटके हों, लड़कड़ाहट हो। Even then, इसके बावजूद he had a powerful voice, इसके बावजूद उसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी ताकतवर थी। Why did Chips used to do after the last bell of school? What did Chips used to do? Chips क्या करता था after the last bell of school? School की आखिरी घंटी के बाद। He always used to wind up his watch. वो हमेशा अपनी घड़ी को चाबी देता, put the wire guard, और जो एक तार की जाली है वो रखता in front of the fire, उस आग के सामने जो उसने जला रखी होती थी, and turned out the gas, और वो गैस का लैंप या जो लैंप है उसको वो बुझा देता था। ही ऑलवेज़ कैरीड अ डिटेक्टिव नावल, वो हमेशा एक जासूसी नावल लेके जाता टू हिज बेड, अपने बिस्तर पे, बिफोर गोइंग टू स्लीप, इससे पहले कि वो सोता।
वो पसंद करता था कि वो जासूसी नावल पढ़े। हाउ डिड चिप्स गो टू स्लीप, चिप्स नींद में कैसे जाता था या वो सोता कैसे था। ही फेल अस्लीप, वो फ़ौरन सो जाता वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, विदाउट टर्निंग अ पेज ऑफ द नावल, इससे कबल के एक नावल का सफ़ा भी जो है वो उसको वो बदल पाता, वो सो जाता। वट काइंड ऑफ स्लीप चिप्स हैड, चिप्स की नींद कैसी थी। हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, दिन हो या रात हो, उसके दिन रात ख्वाबों से यानी कि अच्छी नींद से भरे हुए थे। ही ऑलवेज इन्जॉयड हिज स्लीप, वो हमेशा अपनी नींद को बहुत पसंद करता या उससे लुत्फ़ उठाता। एज इट केम स्विफ्टली, जैसा कि वो नींद बड़ी जल्दी आती। एंड टुक हिम टू द डीप वैलीज ऑफ ड्रीम्स, और उसकी नींद जो है वो उसे ख्वाबों की गहरी वादियों में ले जाती। हु वॉज डॉक्टर मैरीवेल एंड वट वर हिज रिमार्क्स अबाउट मिस्टर चिप्स, डॉक्टर मैरीवेल कौन था और उसका तबसरा क्या था या उसके तासुरात क्या थे मिस्टर चिप्स के बारे में। ही यूज़ टू सी चिप्स एवरी फोर्टनाइट, हर 14 दिनों के बाद या हर 2 हफ्तों के बाद जो है चिप्स को वो देखने आता। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक चिप्स वाज फिटर देन मैरीवेल, चिप्स जो है वो उस डॉक्टर से भी ज़्यादा फिट फाट था यानी कि तंदरुस्त था। ही ऑल्सो कंसिडर्ड दैट चिप्स वुड डाई अ नेचुरल डेथ, और उसका ये मानना था, डॉक्टर मैरीवेल का ये मानना था कि चिप्स जो है वो एक तबई मौत या एक कुदरती मौत मरेगा। वाई डिड चिप्स लाइक मिसेज विकेट्स हाउस, चिप्स को मिसेज विकेट्स का घर क्यों पसंद था। द हाउस वॉज वेरी नियर टू द स्कूल, पहली वजह तो ये थी कि घर स्कूल के बहुत करीब था। चिप्स वॉन्टेड टू लिव नियर द स्कूल, चिप्स बजाते खुद जो है वो स्कूल के पास रहना चाहता था। सो ही लाइक दैट हाउस, और इसी वजह से उसको मिसेज विकेट का जो घर है वो बहुत पसंद था। वट वॉज़ द एडवाइस ऑफ मैरीवेल वेन चिप्स कॉट कोल्ड, मैरीवेल की, डॉक्टर मैरीवेल की क्या नसीहत थी जब भी चिप्स को जो है वो ज़ुकाम होता। ही एडवाइज मिसेज विकेट्स टू बी केयरफुल, वो हमेशा मिसेज विकेट को जो है वो मिसेज विकेट्स को ये तंबीह करता या नसीहत करता कि वो थोड़ी सी मोहतात हो जाएं, मोर देन यूजुअल, आम रूटीन से ज़्यादा। हैविंग कोल्ड इन ओल्ड एज वॉज डेंजरस फॉर चिप्स, बड़ी उम्र में या बूढ़ी उम्र में चिप्स का ज़ुकाम का होना जो है वो चिप्स के लिए एक ख़तरनाक बात थी। डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ चिप्स, चिप्स की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए। ही वॉज़ बॉर्न इन 1848, 1848 में चिप्स पैदा हुआ। इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में, ही वॉज़ टेकन टू ग्रेट एग्जीबिशन, वो एक बड़ी नुमाइश पर ले जाया गया। ही ग्रेजुएटेड इन 1868, 1868 में उसने ग्रेजुएशन की यानी कि उसने बीए पास किया। ही ज्वाइंड मेलबरी स्कूल फॉर टीचिंग, और उसने तदरीस के लिए जो पहला स्कूल जो मुंतखब किया और उसको उसने ज्वाइन किया, शमूलियत इख्तियार की, वो मेलबरी स्कूल था। ही वॉज अनएबल टू मैनेज देयर, वो वहाँ चीज़ों को संभाल ना पाया। ही लेफ्ट द स्कूल आफ्टर वन ईयर, और उसने वो स्कूल जो है एक साल बाद छोड़ दिया। एंड केम टू ब्रुकफील्ड, और वो ब्रुकफील्ड आ गया। डिस्क्राइब द डे व्हेन चिप्स केम टू ब्रुकफील्ड फॉर एन इंटरव्यू, उस दिन के बारे में बतलाइए जब चिप्स ब्रुकफील्ड के अंदर इंटरव्यू देने के लिए आया। इट वाज अ शाइनी डे, बड़ा ही रोशन चमकदार दिन था। इंग्लैंड के अंदर दोस्तों, अजीज़ तलबा, जो रोशन दिन है यानी कि जिस दिन पूरा सूरज निकला हुआ हो, तो वो अंग्रेज़ों के लिए एक बड़ी एक अच्छी अलामत होती है, क्योंकि वहाँ बरतानिया में सख्त सर्दी होती है, धुंध होती है, बर्फ़बारी होती है, तो और वहाँ पे वैसे भी गर्मी का मौसम जो है वो बहुत मुख्तसर वक्त के लिए होता है। तो वहाँ पे एक रोशन दिन जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत से काम नहीं है। इट वाज अ शाइनी डे, वो एक रोशन दिन था। देयर वाज फुल ऑफ फ्रेगरेंस, हवा जो थी वो खुशबू से मुअत्तर थी, भरी हुई थी। देयर वाज क्रिकेट मैच, और उस दिन क्रिकेट मैच खेला जा रहा था बिटवीन ब्रुकफील्ड एंड बैनहर्स्ट, ये दो स्कूल हैं उनके दरमियान। वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम बैनहर्स्ट स्कोर्ड अ सेंचुरी, और बैनहर्स्ट स्कूल की तरफ से जो है एक लड़के ने सेंचुरी स्कोर की थी या उसने 100 रन बनाए थे। चिप्स रिमेम्बर्ड ऑल दिस, चिप्स ने इन तमाम बातों को बहुत याद रखा था। व्हाई डिड चिप्स डिडंट लाइक मेलबरी, चिप्स जो है उसे मेलबरी स्कूल क्यों नहीं पसंद था। देयर वहाँ पे बॉयज़ यूज टू टीज हिम,
लड़कियों से तंग किया करते थे. ही वॉज एबल टू कंट्रोल द क्लास, और वो वहाँ इस काबिल न था कि वो क्लास को कंट्रोल कर सके, काबू कर सके, यानी कि नज़्म व ज़ब्त के लिहाज से और गिरफ्त के लिहाज से चिप्स इस काबिल नहीं था कि वो अपनी क्लास को संभाल पाता. फॉर दिस, इस वजह से ही डिडंट लाइक दैट स्कूल, इसीलिए उसको ये स्कूल जो है वो पसंद नहीं था. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस 16 क्वेश्चंस. होपफुली टुमारो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस ऑफ द सेम चैप्टर. टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.